सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आज हम बात करेंगे नेपाल के न्यू मैप में। जी हाँ, नेपाल ने एक नया मैप जारी किया है जिसमें उसने भारत के इलाकों को अपने में दर्शाया है, जैसे कि काला पानी, लिपु लेक और लिम्पियादुरा। इस पर नेपाल ने अपने नए मैप में इसको अपने टेरिटरी के अंदर बताया है, जिसका विरोध भारत के विदेश मंत्रालय ने किया है। उन्होंने कहा है कि यह नक्शा अस्वीकार है किया जाता है, ठीक है, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो चलिए इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट ट्रीटी ऑफ सोगोली, और हम और ये भी बात करेंगे कि इंडिया और चाइना का रिलेशन कैसा है, और हम जानेंगे इसके पीछे की पूरी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय फैला रहे हैं कोरोना। वो कह रहे थे कि भारत वायरस चीन और इटली से ज़्यादा खतरनाक है, भारत के लोग कोरोना फैला रहे हैं। वो ऐसे भारत के बारे में और भी कई तरह की टिप्पणियाँ कर रहे हैं अभी, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। इन्होंने यहाँ तक ये भी कहा है कि हम जो भी करते हैं खुद ही करते हैं, भारत के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहते हैं, पर यह भी पूछना चाहते हैं कि भारत की नीति क्या है, सीमा मेव जयते या सत्यमेव जयते। ये ओली साहब ने आरोप लगाया है कि भारत की नीति क्या है, क्या वो सीमा कब्जा कर रहे हैं, सीमा मेव जयते या सत्यमेव जयते, कि ट्रुथ पे चलना है। ये है हम वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का बयान। अगर हम बात करें तो भारत ने भी अपना नया राजनीतिक नक्शा 2 नवंबर 2019 को जारी किया था। इसे विज्ञान के विभाग ने, प्रौद्योगिक विभाग ने तैयार किया था। इसमें काला पानी, लिम्पियादुरा और लिपु लेक इलाके भारतीय क्षेत्र में बताए गए थे, जो कि अभी नेपाल इसमें अपना बता रहा है इसे, ठीक है। उस टाइम नेपाल ने इस मैप पर जो भारत ने निकाला था उस पर विरोध जताया था। इसके बाद फिर विदेश मंत्रालय ने सीमा से किसी भी प्रकार के छेड़छाड़ करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नए नक्शे में नेपाल से सटी सीमा में बदलाव नहीं किया जाएगा, जो है वो उसी में रहेगा। बात की जाए काला पानी लिपु लेक डिस्प्यूट की, जो अभी रिसेंट में है। रिसेंटली अप्रूव्ड इट्स न्यू पॉलिटिकल मैप, नेपाल ने अभी अपना न्यू पॉलिटिकल मैप इंट्रोड्यूस किया है, ठीक, शोइंग इट्स क्लेम ओवर लिपु लेक, काला पानी एंड लिम्पियादुरा। उसने इन तीनों जगहों को अपने टेरिटरी में बताया है कि ये उनके टेरिटरी में, इंडिया के टेरिटरी में नहीं है। काला पानी इज़ द फर्स्ट बिग रीज़न बिहाइंड इंडो नेपाल बॉर्डर कॉन्ट्रोवर्सी। काला पानी हालांकि वैसे भी इंडिया और नेपाल के बीच हमेशा न्यूज़ में रहा है, हमेशा डिस्प्यूट के रीज़न में रहा है। लिपु लेक इज़ लोकेटेड इन अ फार वेस्ट पॉइंट नियर काला पानी। लिपु लेक दर्रा है, जो लिपु लेक पास है वो हमारे काला पानी के पास है, ठीक है, और ये हमेशा विवाद में रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में। दोनों कंट्रीज़ हमेशा क्लेम करती हैं कि ये जो काला पानी वाला एरिया है दैट इज़ इन देअर टेरिटरी। इंडिया कहते हैं इट इज़ इन आवर टेरिटरी बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, एंड नेपाल कहती है नहीं, ये हमारा पार्ट है, इट इज़ द पार्ट ऑफ धारचुला डिस्ट्रिक्ट, यानी नेपाल के धारचुला डिस्ट्रिक्ट में आता है काला पानी, और इंडिया कहती है नहीं ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का है। जाए कि लिपु लेक पास क्या है, तो फ्रेंड्स लिपु लेक पास एक एशियन रूट है, बहुत पुराना रूट है, जो कि बनाया गया था ट्रेड के लिए या फिर पिलग्रिम्स के लिए जो मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान रास्ता था, मतलब यहाँ से लोग जाते थे मानसरोवर दर्शन के लिए, ठीक है, पिलग्रिम्स के लिए था ये, बट ये बंद हो चुका था आफ्टर इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ था, जिसके टाइम इसको बंद कर दिया गया था इस वे को, कि अब मानसरोवर नहीं जाया जाता था इस रास्ते से। बट अभी रीसेंट में इंडिया ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मदद से नया रोड बनाया है, एक लिंक रोड बनाया है लिपु लेक पास की तरह पास तक, ठीक है, पास से होते हुए वो रोड जाती है जो कि मानसरोवर जाती है। द लिंक रोड स्टार्ट फ्रॉम धारचुला से स्टार्ट होती है उत्तराखंड के, एंड इट रन्स 80 किलोमीटर टू लिपु लेक पास, ये लिपु लेक पास तक जाती है। इट इज़ बिल्ड बाई बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये जो एरिया है ये है काला पानी, ठीक है, और यहाँ से कहीं से ऐसे जाती है पूरी रोड, ठीक। अब चाइना ने क्या किया है, इसी एरिया को बताया है कि ये जो एरिया है ये शेडेड वाला, ये हमारे अंडर आता है, ये हमारे टेरिटरी में आता है,
और इंडिया कहती है नहीं ये हमारे टेरिटरी में आता है। अब ये काला पानी वाला इतना विवाद क्यों है उसको समझते हैं हिस्ट्री से कि आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है। फ्रेंड्स ये बात है 18 सेंचुरी की, तब नेपाल में गोरखा का रूल होता था जिनके किंग थे पृथ्वी नारायण शाह। उस टाइम उन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया अराउंड सिक्किम एंड गढ़वाल कुमाऊं रीजन उत्तराखंड के वेस्ट में, ठीक है यहाँ तक उन्होंने एक्सपेंड किया। और वही 18 सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो थी वो भी काफ़ी तेज़ी से अपने टेरिटरी को एक्सपेंड कर रही थी, मतलब उन्होंने मेन बेस अपना बना लिया था मद्रास कलकत्ता बॉम्बे में। सो नाउ दे आर ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर टेरिटरी टूवर्ड्स अवध नॉर्थवर्ड्स। सो इससे क्या हुआ कि दोनों में डिस्प्यूट रोज हुआ, दोनों में डिस्प्यूट्स, दोनों पावर्स के बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हुआ। और फिर जाकर 1814 में नवंबर 1 को ब्रिटिश डिक्लेयर्ड वॉर, ब्रिटिश ने डिक्लेयर कर दिया वॉर ऑन नेपाल। फिर ये वॉर चलता रहा, फिर जाकर 3 साल बाद इन 1816 ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन टू एंड दिस वॉर, इस वॉर को ख़त्म करने के लिए ट्रीटी ऑफ सुगौली को साइन किया गया। द ट्रीटी डेलिमिटेड द बाउंड्रीज ऑफ नेपाल एज इट स्टैंड्स टुडे। ट्रीटी के वजह से उसने इस ट्रीटी में बताया गया कि जो काली रिवर है दैट वॉज लोकेटेड इन नेपाल एज बाउंड्री विथ इंडिया, वो उसकी बाउंड्री बन गई। कि उस ट्रीटी के वक्त कोई भी मैप अटैच नहीं किया गया था सुगौली ट्रीटी के टाइम, बट ये कहा गया था कि जो काली रिवर है दैट विल एक्ट एज द बाउंड्री ऑफ नेपाल, वो नेपाल की बाउंड्री से एक्ट करेगी। बट फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने जब बनाया मैप, दे द मैप शोड डिफरेंट सोर्स ऑफ काली रिवर, यानी कि काली रिवर की सोर्स जो थी वो अलग अलग जगह से शो कर रही थी। जैसे हम देखेंगे इस मैप में, तो अब एक यहाँ से काली रिवर जाती है, ये जो यहाँ पे है ये यहाँ से भी काली रिवर जाती है। रिवर काली का ओरिजिन एक यहाँ से भी है, एक्चुअली रिवर काली की स्ट्रीम बहुत है, ठीक है तो और एक यहाँ से भी है। तो ये जो लाइट शेडेड रीजन है दैट इज़ ऑफ नेपाल, और ये डार्क ब्लू इंडिया में आता है। बट फिर भी रिसेंट में जो नेपाल ने अपना मैप निकाला है उसमें इसने इस रीजन को अपने में दिखाया है। ही डिक्लेयर्ड, ही सेड दैट दिस इज़ इट्स पार्ट, दे लिम्पू दियारा और लिपू लेक और काला पानी इज़ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। ये मैप वेडनेसडे को काठमांडू में रिलीज़ किया गया था। It started when BRO, Border Road Organization of India, उसने लिंक रोड बनाया फ्रॉम हेयर टू हेयर टू रिड्यूस द टाइम और डिस्टेंस जो लोग मानसरोवर की यात्रा करते हैं उनके लिए और आसानी पड़े। ये हमारा वैसे मानसरोवर जाने के लिए दो बने हुए, एक सिक्किम में वह है नाथू लास पास, वहाँ से एक रोड है एंड दूसरा वे ये है हमारा लिपू लेक से होकर। सो ये बनाया गया था ताकि टाइम रिड्यूस हो जाए, पिलग्रिम्स आसानी से मानसरोवर यात्रा कर सकें। और जैसे ही ये बनाया गया, ये कम्प्लीट हुआ, वैसे ही नेपाल ने अपना मैप, नया मैप जारी किया जिसमें उसने अब इस पूरे एरिया को अपने टेरिटरी में बताया, अपने अंदर बताया जो कि इंडिया का पार्ट है। दिस इज़ द मैप दैट नेपाल हैज़ पब्लिश्ड रिलीज्ड इन ऑन वेडनेसडे, ठीक है ये मैप है। वैसे देखा जाए तो इंडिया ने हमेशा नेपाल की मदद की है, पड़ोसी देश होने का पूरा साथ निभाया। अगर नेपाल में कुछ भी प्रॉब्लम्स आते तो इंडिया सबसे पहले खड़ा होता था, पता नहीं ये विवाद क्यों किया। वैसे जाहिर सी बात है कि अगर नेपाल कुछ कह रहा है इतने स्ट्रांगली कि हम लोग ये डरते नहीं है वगैरह वगैरह, लिपू लेक काला पानी को वापस लेकर रहेंगे, कोई नाराज़ हो तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, सो ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है तो इसे साफ होता है कि इसको कहीं ना कहीं चाइना का सपोर्ट ज़रूर मिल रहा है, वरना इंडिया के रिलेशंस अच्छे थे। अचानक से ये सब होना इज़ शोइंग दैट चाइना है सपोर्टिंग दिस। सो यही था पूरा नेपाल और इंडिया के बीच में कि क्यों फाइट हो रही है ओवर काला पानी एंड व्हाट इज़ दिस न्यू मैप ऑफ दैट नेपाल हैज़ रिलीज्ड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।